लास्ट में आके आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है अपना, वो सबके साथ होता है। हाँ, वो सबके साथ होता है। उसी टाइम आपको मतलब और रखना होता है, हौसला बढ़ाना पड़ता है। गेट्स में सर ज्यादातर अपना जो होता है ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि आपको वो ऐसा लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, पर आप सबसे ज्यादा दुखी तब होगे जब आप सिली मिस्टेक्स करो। सर फिर मैंने कोचिंग वगैरह 9th 10th और 11th 12th और जेई लेवल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसमें मैं 5 to 6 hours अपने दे देता था उनको पढ़ाने के लिए, और जो भी अर्निंग होती थी वो मेरे लिए एनफ थी। उसके साथ साथ मैं गेट के लिए प्रिपेयर था। पॉजिटिव लोगों के साथ, एनर्जेटिक लोगों के साथ, जो एम्बिशियस है उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, एवरीथिंग को ना ऐसे माइन्यूट लेवल पे उतर जाके मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ टाइमिंग को स्लॉट चेंज होने से मेरी ब्रेन की कैपेसिटी हिसाब से शिफ्ट हो गई कि मैं रैंक में फिर से वहाँ पहुँच गया। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है घट पर परत निशान। इसका मीनिंग यह है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन आता है, देन यू कैन इम्प्रूव योर एक्यूरेसी। सब्जेक्ट का तो मैं पूरा क्रेडिट मेडी जी को ही दूंगा, मतलब सब्जेक्ट पे जितना भी कमांड रहा मैंने ऑल थ्रू आउट द जर्नी बस मेडी जी को फॉलो किया। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि आसपास बच्चे पढ़ रहे हो तुमको पढ़ने का मन करता है तो जाओ लाइब्रेरी, कि यार आसपास तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पढ़ लिया अब तुम्हें को, मेरे को ऐसा लगता था मेरे को अकेले पढ़ना है, आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आसपास मेरे को ऐसा लगता बहाना है यार आसपास क्या बच्चे चाहिए, अपने आपको इतना भी नहीं कर सकता, अकेले में पढ़ नहीं सकते, ऐसा क्या है। तुम्हारा अगर बाई चांस पेपर बिगड़ गया ना तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये पेपर मैं सुधार सकता हूँ, ऐसा आता है। अगर तुम एक ही कर रहे हो ना तो तुम्हें लगेगा कि अब प्रेशर है, ये तो मुझे फोड़ना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक ही, मैं घर वालों को बहाना भी नहीं दे सकता कि मैं इसकी तैयारी कर रहा था, मैं उसकी तैयारी कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि मतलब बिना टेस्ट सीरीज़ के कुछ हो सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अपने आप में एक वो ये है कि आप रियल एग्ज़ाम को फेस करने के मतलब लिए तैयार होते हो। एक लेवल के बाद सर टेस्ट सीरीज़ ही मेरे हिसाब से बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए एक इंसान 500 तक फिर भी ले आएगा प्रीवियस ईयर करके, पर 500 से ऊपर की जो जंप है वो पूरी टेस्ट सीरीज़ से आती है। मैंने टेस्ट सीरीज़ लास्ट तक डिले करी थी ये सोच के कि टेस्ट लास्ट 1 month में दे दूंगा, पर जो कि क्लियरली गलत तरीका है, अब तो मुझे बहुत क्लियर हो चुका है कि बहुत गलत तरीका है। मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था, जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, सर मैं 3-4 hours इंस्टाग्राम पर बिता देता था सर। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने सोच लिया कि अब मैं जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाता मैं छूंगा नहीं। पॉजिटिविटी तो एक तरह से इसी तरह से आती है, वैसे जब आपका ग्रुप एकदम पॉजिटिव हो और हर बार आपस में एक पॉजिटिव कंपटीशन हो तो डेफिनेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। नोट्स ही मेरे सोर्स होते थे, मैं सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज करता था। मेडी जी ने बुक्स भी दिए थे बहुत सारे, मुझे सिर्फ नोट्स से ही पढ़ने में सही लगता था। 3 to 4 hours में सर मेरा पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता था, और जैसे रिवाइज कर लिया उसके टेस्ट दे दिए, टेस्ट दे दिया, टेस्ट का रिवीजन कर लिया, रिवीजन करके देन वो मिस्टेक कॉपी, मिस्टेक सारी लिखी और मिस्टेक्स रिवाइज करी दोबारा। तो सर पूरे मैंने लास्ट मंथ तो यही पूरी साइकिल चलाई है, रिवाइज टेस्ट एनालाइज। जो लोग गेट के रैंक से कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, टारगेट बनाइए 30 to 35 hours का। उतना अगर आप टारगेट बना देते हैं कि इतना तो हमें पढ़ाई करनी है, बस उसके बाद आप बड़े आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। देखो मिस्टेक करना बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, मिस्टेक तो होते हर एक इंसान से। अब इन्होंने क्या किया कि जहां जहां मिस्टेक हुए हैं उस मिस्टेक को लिखते चले गए कि मैं कहां कहां मिस्टेक करता हूं, और वो मिस्टेक जब आइडेंटिफाई हो गए क्यों ना उसी का रिविजन कर लिया जाए। सर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बार बार करता था, जैसे 22 में भी मैंने गेट दिया था, 3 में भी दिया था, तो मैंने यही सोचा था कि हर साल में मतलब अगर जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक अच्छी रैंक नहीं आएगी, तब तक मैं 1 year में एटलीस्ट 2 times तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरा प्रायोरिटी पहले पढ़ाई थी, देन एनीथिंग एल्स। मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती थी, मैं एक चैप्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले सॉल्व करता था और थ्योरी बाद में रिवाइज करता था सर, ताकि मैं हम खुद को देखना चाहता था कि मेरे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और मुझे कितना याद रह सकता है फॉर्मूला वगैरह। कभी भी खुद को ये नहीं सोचना होता है कि मैं कहीं IIT से नहीं हूँ फॉर एग्जांपल तो मुझसे नहीं होगा। अगर आप प्रोसेस, जो प्रोसेस वेल एक्सप्लेन प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा, चीज़ें डूएबल लगने लगेंगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एंड में रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। कभी भी जब आप तैयारी कर रहे हो तो कोई भी सब्जेक्ट को छोटा ना समझें,
क्या पता किस ईयर में कौन से एरिया से कैसा बिल्डिंग का क्वेश्चन आ जाए, नोबडी नोस। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सो बी ए वॉरियर नॉट ए वरियर। वरी नहीं करना है, वॉरियर बनना है और लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है जब तक कि जीत आपको ना मिले।